गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर फाइन एट गुड केयरिंग एट अ होम। वेरी गुड। सो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक इज नंबर 4। वेरी गुड, नंबर 4। व्हाट इज दिस? दीज आर हाउस। क्या है ये? हाउस। सो हाउ मेनी हाउस आर देयर? So count with me, 1, 2, 3, 4, 4 houses are there. Which number is this? Yes, number 4, कौन सा number है ये? Number 4. So how to write number 4 in a textbook? So let's start with me. फर्स्ट रो में आपको सिंपल ट्रैक करना है। कैसे करना है? फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन, मेक अ नंबर 4। स्टैंडिंग लाइन आपको ऊपर की लाइन को टच करके स्टैंडिंग लाइन करना है या सेंटर तक, और फिर ये स्लीपिंग लाइन करना है, और ये जो स्लीपिंग लाइन है उसके बीच में से अगेन स्टैंडिंग लाइन करना है जो नीचे की लाइन को टच होनी चाहिए। मेक अ नंबर 4। 1 बॉक्स स्किप किया, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। आपको ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे ओनली ट्रैक ही करना है नंबर 4। और अभी आपको खुद से राइट करना है। 1 बॉक्स स्किप किया, ऊपर की लाइन को टच करके स्टैंडिंग लाइन किया ये सेंटर तक, और ये से स्लीपिंग लाइन ऐसे, और ये जो स्लीपिंग लाइन है उसके बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन करना है। मेक अ नंबर 4। 1 बॉक्स स्किप किया, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। 1 बॉक्स स्किप किया, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये अगेन स्टैंडिंग लाइन, नंबर 4। कौन सा नंबर है किड्स ये? यस, नंबर 4। आपको इसे राइट भी करना है और संग में बोलना भी है। 4, 1 बॉक्स स्किप करना है और ये नंबर 4 आपको बोलना भी है, रीड भी करना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, मेक अ नंबर 4, मेक अ नंबर 4, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन इधर टच नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको एकदम प्रॉपर 4 लिखना है। ऐसे स्मॉल 4 नहीं लिखना है, जो आपका ऊपर भी टच नहीं हुआ, नीचे भी टच नहीं हुआ, ये 4 क्या है आपका? रॉन्ग है। और फिर ये ऐसे भी नहीं करना है, आप ऐसे भी कर लेते हो कोई बच्चे, तो ये भी रॉन्ग है। ऐसे पूरे बॉक्स में टच करना है, बट ये फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। तो आपको कैसे एकदम क्लियर फॉर्मेशन में लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ऐसे ही आपको ये पेज कंप्लीट करना है, पेज नंबर 30 में जो नंबर 4 दिया हुआ है ये आपको कंप्लीट करना है गुड हैंड राइटिंग में। बाय बाय किड्स।